हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर लास्ट वीडियो है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। हाउ मैनी टर्म ऑफ द सिक्वेंस, ये कोई सिक्वेंस है, ठीक है दोस्तों, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक मैं सिक्वेंस लिख रहा हूँ जो ए पी में है, 2 4 6, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, ये कितनी टर्म है, 1 2 3, ये तीन टर्म है, ठीक है। अगर मैं इनका सम करूँ तो सम कैसे करेंगे, 2 + 4 + 6, ठीक है। इनका सम क्या आया, 4 2 6 2 6 6 12, ठीक है दोस्तों। ये कितनी टर्में थी, तीन टर्में थी, यानी कि मैं इसको एस थ्री लिख सकता हूँ। सम ऑफ थ्री टर्म ये क्या है, 12 है, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे साफ पता चला भी तीन टर्मों को सम किया, ये 12 आ गया। अब 6 की जगह यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कितनी टर्में हैं, 4 टर्में हैं, तो 4 टर्मों का सम क्या है, 4 2 6 और 6 12 और 8 20, ठीक है, आप इजली बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये सिक्वेंस है कोई, यहाँ पे लिख देता हूँ -8 -6 -4, ये ऐसे ऐसे जाता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो मुझे साफ पता चल गया था 4 टर्मों का सम क्या है, 20 है। 4 टर्मों का सम था 20 था। अब इन ऐसे चलते 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 इनका सम करना है, और वो सम कितने देर का, 70 देर का है, ठीक है दोस्तों। आगे मुझे नहीं पता, आगे -2 भी आएगा, आगे ऐसे चलती जाएंगी। उनका सम देर का है, सिर्फ उनका सम क्या है, उनको जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 70 आएगा। पर मुझे नंबर ऑफ टर्म देर की, वो कितनी टर्मों का सम है। जैसे यहाँ पे तो 4 टर्मों का सम था, यहाँ पे मुझे वही फाइंड आउट करना है भी, ये कितनी टर्मों का सम, 70 आएगा, यानी कि मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करेंगे। हाँ जी, सम ऑफ nth टर्म निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, एक ये फार्मूला होता है और एक ये फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे एस एन की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, 70, ये चीज़ मुझे गिवन है, ठीक है दोस्तों। और क्या क्या गिवन है फार्मूले में, और एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। ए क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, वो क्या है, -8। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई, ठीक है दोस्तों। फार्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं, आइए यहाँ पे कर देता हूँ मैं। हाँ जी, एस एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, 70 इज इक्वल टू एन बाय 2 2। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, -8 प्लस में एन -1 डी, ठीक है दोस्तों। इसकी इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 140 इज इक्वल टू, हाँ जी, एन, ये क्या आ जाएगा, माइनस के 16 प्लस 2n-2। इसको आगे सोल्व करेंगे, 140 इज इक्वल टू एन, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, ये कितना आ गया, माइनस के 18 प्लस के 2n, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके n के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 140 इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस के 18n प्लस के 2n², ठीक है दोस्तों। इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं, 2n² माइनस के 18n माइनस के 140, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0। मल लेने के बाद क्या आ गया, n² माइनस के 9n और माइनस के 70 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा, n² माइनस के 14n और प्लस के 5n माइनस के 70 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इसके फैक्टर बना लेंगे, 14 × 5 = 70, 14 में से 5 = 9, यहाँ से n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, n माइनस के 14 और यहाँ से प्लस के 5 और n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से फैक्टर क्या बन गए इसके, एक तो n प्लस 5 हो गया और एक n माइनस के 14 हो गया, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ गई, एक तो माइनस के 5 आ गई और एक n की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ से n की क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, माइनस के 5 और 14। अब आप खुद ही सोचें, कभी भी नंबर ऑफ टर्म माइनस हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 4 + 6, इन तीनों टर्मों का सम क्या है, 6 और 4 10 और 2 12, हाँ जी, कितनी टर्में थी, तीन थी ना दोस्तों, तीन टर्में थी, ठीक है दोस्तों। यानी कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। मैं ऐसे नहीं बोल सकता -3 टर्में है ये, -4 टर्में है, यानी कि कभी नंबर ऑफ टर्म माइनस में कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी तीन टर्में तो हैं, या तीन से ज़्यादा ही होंगी कोई ना कोई,
तो यहाँ पे यानी कि कितनी टर्में हैं, 14 टर्में, यानी कि ऐसे करते करते मुझे 14 टर्में लेनी पड़ेंगी जिनका सम क्या आएगा, 17 आएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 14 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सिक्वेंस। ठीक है दोस्तों, ये कोई सिक्वेंस दे रखा है मुझे, ए पी में है, मस्ट बी टेकन, इसकी कितनी टर्में लेनी पड़ेंगी भी जिनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुझे एस एन की दे रखी है, इनका सम क्या है, 0 है, यही मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। अभी इसके कितने टर्में लूँ, जैसे 18, 16, 14 ऐसे चलते चलते इसके कितने टर्में लूँ भी उनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एस एन की वैल्यू मुझे दे रखी है, 0 है, उनका सम क्या है, 0 है। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी, डी का होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, वो क्या है, माइनस के 2, और एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, फार्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं, फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, एस एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 इजिकल टू एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 2, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 18 प्लस में एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इजिकल टू एन, हाँ जी 18 × 36, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2n प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 इज इक्वल टू, हाँ जी 36 × 2 = 38, n 38 माइनस के 2n। ठीक है दोस्तों, अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, एक बार तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0 आ गई, एक 30 माइनस के 2n इज इक्वल टू क्या आ गई, 0 आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2n क्या आ गया मेरे पास, 38, और n क्या आ गया मेरे पास, 19। ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन आए मेरे पास, दो आंसर आए, एक तो n की वैल्यू 0 आई, एक बार n की वैल्यू 19 आई। अब आप खुद ही सोचें, जैसे पिछले क्वेश्चन में n की वैल्यू माइनस आई थी, ठीक है, कभी भी नंबर ऑफ टर्म माइनस में होती है, माइनस के 3 टर्म में, माइनस के 4 टर्म में, ठीक है, नहीं हो सकती, ऐसे ही कभी भी नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्में तो है ही हैं, 3 से ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो नंबर ऑफ टर्म कितने, 19, यानी कि ऐसे करते करते 19 टर्में लेनी पड़ेंगी जिनका सम क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सम ऑफ ए पी और ए पी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने हर टाइप का क्वेश्चन समझने की कोशिश की है। आई होप आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।